इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह शरीफ लोगों के रहने के लिए है, कोई बार या पब नहीं है ये, जहाँ तुम लोग पीकर मौज मस्ती करो। सच में हमें तो पता ही नहीं था तेरी ऐसी की तैसी। Hey old man, hold your tongue, नहीं तो काट दूंगा तेरे को। हम इससे लड़ क्यों रहे हैं? फ्रेंडशिप की बात करते हैं, जरा तो रुक, क्योंकि इस अंकल की एक ब्यूटीफुल बेटी है, कम से कम उसके लिए तो इनको जाने दो। हे, क्या बोल रहा है? हे, तू क्या बोल रहा है ब्रो? वो बहुत मस्त है, पर वो हमें भाव ही नहीं देती। बताइए हमें क्या करना होगा? अपना मुंह बंद रख। तुम लोग ये जो कर रहे हो इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे परवरिश की गलती है। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा। इसने मुझे चाटा मारा ना, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये पक्का हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देगा। अगर हमारे बारे में उन्हें पता चला तो अपना सारा मामला फिनिश, हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी यार। हे, उसने कहा कि कल वो हमें अपनी ताकत दिखाएगा, तो एक काम करते हैं, हम आज ही उसे अपनी ताकत दिखाते हैं। चलो चलो। कल मिलिट्री डॉक्टर इंग्लैंड से यहाँ के लिए निकलेंगे। यहाँ के डॉक्टर ने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स उन्हें भेज दी है और उन्होंने चेक भी कर लिया है और कहा है कि ऑपरेशन के लिए तैयार रहिएगा, इसीलिए इन पैसों का इंतजाम कर दिया है। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी दोबारा अपने पैरों पर चलने लगे, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। इस वक्त कौन आया है? कौन है? आ रहा हूं। तुम लोग यहां क्यों आए? सुनो, तुम लोग चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगा। ज्यादा बोल रहा है भाई, हो रही लड़की। पैसे? अगर पैसे नहीं जाएंगे तो ये पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। अब हम क्या करें भाई? मार देते। अगर इसे मार दिया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, वो हमें अरेस्ट करके जेल में फेंक देंगे। मैं दारू के बिना नहीं जी सकता। हमें इस बुड्ढे की मौत को हार्ट अटैक दिखाना होगा। ए, इसकी उम्र देख, तुम्हें लगता है इसे हार्ट अटैक आएगा? हार्ट अटैक आने में हम उसकी मदद करते हैं। तुझे व्हीलचेयर पर बैठी हुई इतनी हॉट लड़की दिख रही है, अगर मैंने इसको टच भी किया ना तो बुड्ढे की दिल की धड़कन अपने आप ही रुक जाएगी। मार खुद को और जोर से मार। हम भी यही चाहते हैं, बिना मारे तू मर जाए, जब तक मरना जाओ तब तक मारो, मारो और जोर से। अब इसको भी इसके बाप के पास पहुंचा दे क्या? नहीं भाई, अगर दोनों मर गए तो पुलिस केस बनेगा, जो हमारे लिए डेंजर है, इसे छोड़ देते हैं, वैसे भी ये अकेले मर जाएगी।
बदमाशों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। मैं उन पर पुलिस केस करूंगी, सभी को जेल भिजवाऊंगी। उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम अंकल के कातिलों को ऐसे ही जाने देंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं उन लोगों पर नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारती, मेरा मतलब पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपने मकसद को पूरा करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राधा। उन लोगों की सजा सिर्फ मौत है। बोलो मैं क्या कर सकती हूँ प्रमिला। मैं अभी बस एक निर्दयी आत्मा हूँ जिसकी मौत हो चुकी है। अगर मुझे उन लोगों को मारना है तो मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो। ए, कौन है? कौन है तू? मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तुम लोगों ने मुझे और मेरे पापा को मारा था। जितना दम लगा ले, तेरे मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आएगी।